नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्कशीट नंबर 45 और यहाँ पर डेट आपको लिखनी है बच्चों 26 अगस्त 2020। क्लास है जो भी आपकी 6 to 8 में से जो भी क्लास है आपकी वो लिखनी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है स्टूडेंट्स और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट में आप लिख लेना यहाँ पर मैथ्स, ये इंग्लिश मीडियम में है मैथ्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम और नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके साथ एक बेल आइकन होगी उसको जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, प्रणव इज ए सेंसिबल बॉय, प्रणव जो है एक सेंसिबल बॉय है, ही फॉलोड ए सिस्टमेटिक रूटीन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। ये जो है एक सिस्टमेटिक रूटीन उसका बना हुआ है, जो कि लॉकडाउन आपको पता है इस टाइम पे कोविड चला हुआ है, तो कोविड के टाइम पे कुछ लॉकडाउन पीरियड था तो उस टाइम पे उसने सिस्टमेटिक रूटीन को फॉलो किया, ठीक है बच्चों। हिज फादर इज ए टेलर, उसके जो फादर है वो टेलर है, मदर जो है वो होम मेकर है। अलोंग विद हिज रूटीन एक्टिविटी ही हेल्प्स हिज पेरेंट इन देयर वर्क, रूटीन एक्टिविटी को फॉलो करने के साथ साथ वो अपने पेरेंट के काम में भी हेल्प करता है। हिज डेली रूटीन इज मेंशन इन द टेबल बिलो, जो उसका डेली रूटीन है बच्चों वो नीचे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हो। वो जो बच्चा है प्रणव, उसका जो काम है उसने लिखा हुआ है कि क्या क्या है, वर्क यहाँ पर है बच्चों, ये वर्क लिखा हुआ है और यहाँ पर है ये टाइम, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं वर्क क्या है। पहला स्लीप, स्लीप का मतलब है सोता है, 9 आवर्स मतलब 9 घंटे वो सोता है। हेल्पिंग पेरेंट्स, पेरेंट की हेल्प जो करता है वो 4 घंटे करता है बच्चों। वॉचिंग टीवी, टीवी भी देखता है देखो, 2 घंटे वो टीवी को वॉच करता है। प्लेइंग गेम्स, गेम भी खेलता है, 3 घंटे वो गेम खेलता है। स्टडी, पढ़ाई भी करता है इसके साथ साथ, 4 घंटे वो स्टडी करता है। बेसिक रूटीन, जो उसका बेसिक रूटीन है जिसमें इधर उधर जाना या दोस्तों से मिलना इस टाइप से, वो 2 घंटे करता है, ठीक है। तो आप अगर सभी का सम कर दो, 9 + 4 = 13, 13 + 2 = 15, 15 + 3 = 18, + 4 = 22 कितने हो जाएंगे बच्चों, 24, ठीक है। तो 24 ही हमारे एक दिन के अंदर घंटे होते हैं, तो वो सारे के सारे 24 के 24 यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, लेट अस शो हिज डेली एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से जो वर्कशीट में आपको बनाना है, ये टेबल बनानी है बच्चों जो ये दी हुई है, और इसके अंदर ये वर्क लिखा हुआ है, नीचे वर्क लिखना है आपको, सेम टाइम दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है ऑलरेडी, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर फ्रैक्शन और यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब मैथमेटिक्स में जो हम सिंपल से सिंपल सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पुटअप करना है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ मैनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्लीपिंग इन ए डे, तो कितने घंटे प्रणव जो है स्पेंड करता है स्लीपिंग एक दिन के अंदर। तो स्लीपिंग कितने घंटे करता है बच्चों, 9 घंटे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो 9 घंटे टाइम लिख दिया हमने, फ्रैक्शन, टोटल टाइम कितना था बच्चों, 24, तो हम क्या लिख देंगे, 9/24। तो 9/24 अगर आप करो बच्चों तो इसको 3 से आप काट सकते हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का ये सिंपल सा रूल होता है, नीचे और ऊपर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 × 8 = 24 और 3 × 9 तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3/8, तो ये आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक स्टेटमेंट को फुलफिल करना है। हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड स्टडिंग इन ए डे, तो स्टडी कितने घंटे करता है बच्चों प्रणव, 4 घंटे, तो 4 घंटे हम यहाँ पर लिख देंगे, टोटल घंटे कितने हैं, 24 है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 4/24, तो 4/24 अगर आप सोल्व करो बच्चों तो 4 से ही ये कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8 × 24, तो 1/8 फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाउ मेनी आवर्स डिड प्रणव स्पेंड प्लेइंग इन ए डे, तो प्ले कितने घंटे करता है बच्चों यहाँ पर, प्ले गेम 3 घंटे, तो 3 घंटे यहाँ पर आपको लिख देना है वर्कशीट के अंदर आंसर में, और यहाँ लिख देना है फ्रैक्शन में 3/24, तो 3/24 जब आप कैंसिल करोगे, हाँ बच्चों यहाँ पर
चार छिके 24 होता है, तो यहाँ 1/6 आएगा, 1/6, तो ये चेंज कर देना, यहाँ पर 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/6 यहाँ पर लिखेंगे, और 3/24 ये आ गया, तो अगले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 × 8 = 24, तो 1/8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप चेंज कर लेना, यहाँ 1/6 आएगा ऊपर वाले में। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है हाउ मेनी आवर्स डिड पर्णव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन ए डे, कितने घंटे वो वॉच करता है टीवी को, 2 घंटे, तो 2 घंटे यहाँ पर लिख देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2/24। जब हम इसको सिंपल करेंगे 2/24, तो 2/24 अगर यहाँ से कैंसिल करें तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैंसिल आउट करेंगे 1/12। उसके बाद है कितने घंटे वो पेरेंट्स की हेल्प करता है, 4 घंटे, 4 घंटे पेरेंट की हेल्प कर रहे हैं, तो 4/24 यहाँ आ जाएगा, 4/24 अभी हमने सॉल्व किया था, कितना था बच्चों, 1/6। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये आपका फुलफिल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है कलर के ऊपर, कलर द गिवन फिगर, नीचे दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है बच्चों आपको, यहाँ पर ये वाली फिगर। ठीक है बच्चों, तो इस फिगर में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ पर्णव रूटीन एज पर द रूटीन चार्ट एज पर द एग्जाम्पल गिवन बिलो, तो आपको क्या करना है बच्चों, जो पर्णव का रूटीन है उसको इस एग्जाम्पल में फिट करना है, और किससे फिट करना है, कलर से, जैसे कि यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है एग्जाम्पल स्लीपिंग आवर्स 9 red square, तो 1 red square 1 hour के लिए, 1 घंटे के लिए 1 square है। ठीक है बच्चों, तो स्लीपिंग कितने घंटे करता था वो, 9 hours, तो यहाँ पर कितना भर दिया हमने, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, इस तरह से ऊपर वाले 6 घंटे हो गए, 3 घंटे यहाँ, किसी भी तरह से आप भर सकते हो, तो इस तरह से ये 9 square फिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, तो 9 hours इसने फिल कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है 1 small square depicts 1 hour, 1 small square, देखो 24 square है यहाँ पर, और 1 square किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 घंटे को। ठीक है, तो स्लीपिंग टाइम उसका कितना था, 9 घंटे, तो 9 color हमने फिल कर दिए रेड कलर से स्लीपिंग आवर्स को। ठीक है, अब इसी तरह से आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। अगला है हेल्पिंग पेरेंट्स 4 घंटे, तो हेल्पिंग पेरेंट्स इसको अलग अलग कलर से फिल करोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा किस तरह से यहाँ पर कलर किए गए हैं। तो 4 घंटे आपको किस में कर देना है बच्चों, यहाँ पर हेल्पिंग में, हेल्पिंग पेरेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ, ये आ जाएगा ये ब्लू कलर का, आपको अच्छे से कर लेना है यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर भी मैं फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको फिल करना है, और यहाँ पर भी मैं फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर फिल कर दे, ये हो जाएगा, ये 4 जो आ गए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेल्पिंग पेरेंट्स को। ठीक है, अब है नेक्स्ट 2 घंटे वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी कितने घंटे कर रहा है, 2 घंटे, तो यहाँ पर मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में ईजी रहेगा क्या क्या आपने यहाँ पर भरा है, तो ये आ जाएगा 2 घंटे यहाँ पर मैं भर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से 2 घंटे आपने यहाँ पर ये भर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने सारे आवर्स भरने हैं। प्लेइंग गेम्स 3 घंटे है, प्लेइंग गेम आप अलग कलर से फिल कर दो यहाँ पर, जैसे मैं अलग कलर ले रहा हूँ यहाँ पर रेड ना लेके, रेड तो ऑलरेडी है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, तो 3 घंटे आपको यहाँ भर देना है, ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, इस तरह से ये 3 घंटा हो गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद 3 घंटे ये हो गया, 4 घंटे स्टडी और बेसिक रूटीन 2 घंटे, तो 4 घंटे स्टडी का भर दो यहाँ पर, 4 घंटे स्टडी, कोई अलग कलर ले लो यहाँ पर, हरा कलर ले लिया मैंने यहाँ, ये 4 घंटे यहाँ पर हो जाएगा, ये 1, 2, ठीक है आप अच्छे से भर लेना इसको, 3 और 4, ठीक है बच्चों, और 2 घंटे ये आपका लास्ट में बेसिक रूटीन में आ जाएगा, बेसिक रूटीन के लिए मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये बेसिक रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये बेसिक रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हरा कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, 4 घंटे स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहा था,
उसके बाद था ये वाला कलर, हमने लिया था ये कलर 3 घंटे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ऊपर 3 घंटे लिखा था प्लेइंग गेम्स को, यहाँ आप लिख देना ये, ठीक है। तो वन बाय वन आपने सभी को फिल कर दिया और इस तरह से आपने कलर को रिप्रेजेंट कर दिया। ब्लू कलर था हेल्पिंग पेरेंट्स को, ब्लू कलर यहाँ पर है हेल्पिंग पेरेंट्स, यहाँ पर आप लिख दोगे हेल्पिंग पेरेंट्स, ठीक है बच्चों। और लास्ट में ये जो येलो कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपको ये फिल करना था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि वो भी वर्कशीट को टाइमली कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।